हाय, मैं हूँ जसमीन पटेल और आप सबका जी दिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब हमारी फैमिली 100,000 से भी बड़ी हो गए हैं। वी हैव क्रॉस 100K सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमारा साथ देना, हम आपके लिए रोज़ मीनिंगफुल वीडियोज़, मीनिंगफुल कंटेंट लाते रहेंगे। डिजिटल्स के ऊपर हम वो सब वीडियोस नहीं बनाते जो हमें अच्छे लगते हैं या हमको बनाना अच्छा लगता है। इसके ऊपर हम वही वीडियोस बनाते हैं जो आप लोग को देखना अच्छा लगता है। आप लोग जो हमको कमेंट करके बताते हो, मैसेज करके बताते हो, वही वीडियोस हम बनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन। हमारे इतिहास में योद्धाओं की कोई कमी नहीं है और आज हम कुछ ऐसे ही योद्धाओं के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ हीरोज़ के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ सुपर हीरोज़ के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे अवेंजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम सबको पता चले कि हमारे हीरोज़ कौन हैं, जो लोग उनके काम की वजह से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। और एक दुख की बात ये है, एक हकीकत ये भी है कि हम सबको जो काल्पनिक हीरोज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा पता है। स्ट्रेंज बट वेरी ट्रू। एनीवे चले फिर मिलते हैं उनसे जिनका ब्लड हमारी रगों में दौड़ रहा है, जिनके बारे में सिर्फ सोच के, सुन के, देख के भी फ़ख्र महसूस होता है कि हम इनके बच्चे हैं। तो चले फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाजीराव पेशवा की। बाजीराव पेशवा का जन्म 18 अगस्त 1700 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम था बाजीराव बालाजी भट्ट। बाजीराव थोरले मराठा साम्राज्य के एक महान सेनानायक थे। वो 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा थे। वैसे तो इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, बाजीराव मस्तानी। उनके बारे में बहुत कुछ फिल्म के अंदर दिखाया गया, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं दिखाई गई हैं। वैसे तो इनकी महानता और वीरता का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पता नहीं ऐसी कितनी फिल्में बन सकती है, ऐसे तो कितने वीडियोस बन सकते हैं, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होगी। एक बात बताऊं, चौंक तो नहीं जाओगे, बाजीराव पेशवा अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। वो मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई तक ले गए थे। अपने कुशल नेतृत्व के बल पर उन्होंने मराठा साम्राज्य का उत्तर में बहुत दूर तक विकास किया था। वैसे तो बहुत पेशवा हो गए, लेकिन बाजीराव पेशवा को सभी पेशवाओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उनको बचपन से ही लाठी चलाने का, तीर चलाने का और घोड़े सवारी करने का बहुत शौक था। लोग बाजीराव पेशवा को छत्रपति शिवाजी का अवतार भी मानते थे। पिता की मृत्यु के बाद जब वो 20 साल के थे, तब उनको साहूजी महाराज ने पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बाजीराव ने सबको अलग अलग सबक सिखाया था। सबसे पहले तो उन्होंने पुरानी मनोवृत्ति वाले लोगों को निकाल कर हार्गी और यादव जैसे दमदार लोगों को सेना में शामिल किया था। बाजीराव की दो पत्नी थी और ये पूरी कहानी आपने फिल्म में देखी है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर बात कर लेते हैं। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था मस्तानी, जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे। उनके लिए उन्होंने एक महल भी बनाया था, इसका नाम था मस्तानी महल, जो आज पुणे के पास है। बाजीराव का जो दिमाग था, जितना तेज़ दिमाग था, उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि बाजीराव की चाल, रफ्तार और तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। एक बीमारी की वजह से 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा नदी के पास उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव पेशवा के ही वीरता के प्रसंग इतने ज़्यादा प्रचलित हैं। हमारा नेक्स्ट हीरो का नाम है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को पूरी दुनिया के महानतम व्यक्तियों में से एक गिना जाता है। सम्राट अशोक से सिर्फ देश के ही लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को, विदेशी लोगों को भी प्रेरणा मिली है। हमने मगध साम्राज्य के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर हमने पूरा डिटेल में समझाया है 0 से लेकर एंड तक, और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप देखना चाहो तो उसे देख सकते हो, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें आप देख पाओगे कि ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक ने साम्राज्य स्थापित कर दिया था। मतलब हमारे अब तक जितने भी राजा हो गए उसमें इतने बड़े साम्राज्य पर किसी ने भी राज नहीं किया है। जहाँ जहाँ पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया है, वहाँ वहाँ पर अशोक स्तंभ की स्थापना भी की थी। आपको कलिंग के युद्ध के बारे में पता होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। उस युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था। उन दृश्यों ने अशोक को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और अहिंसा के मार्ग पर चले गए, शांति के मार्ग पर चले गए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मुगल, अंग्रेज़, खिलजी विलजी जो भी है, उनकी ताकत नहीं होती कि वो हिंदुस्तान की तरफ देखे।
आने की, शासन करने की, लूटने की बात तो बहुत दूर की हो गई। अकबर ने सम्राट अशोक की लगभग सभी नीतियों को अपनाया था और इन नीतियों को अपनाने के बाद अकबर को बहुत फायदा भी हुआ था। सम्राट अशोक ने करीबन 40 साल तक शासन किया और उनके शासनकाल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। सम्राट अशोक ने कहा था कि एक सफल राजा तभी हो सकता है जब उसे पता हो कि उसकी जनता की ज़रूरतें क्या है। संघर्ष जितना ही कठिन होगा, जीतने का मजा उतना मज़ेदार होगा। ईसा पूर्व 234 में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई थी। हमारा नेक्स्ट सुपर हीरो का नाम है महाराणा प्रताप, प्राचीन भारत का एक चमकता सितारा जिसे हम महाराणा प्रताप भी कहते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। उनकी माता ही उनकी गुरु थी, क्योंकि उनकी माता ने ही उन्हें बचपन में अस्त्र शस्त्र और तलवारबाजी करना सिखाया था। महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन काल में किसी भी परिस्थिति के सामने कभी भी हार नहीं मानी है, और हमको भी ये बात सीखनी चाहिए। वैसे हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें कोई खास दम नहीं होता है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों से हार जाते हैं, और हार भी ऐसे जाते हैं मतलब अब सब कुछ ख़त्म हो गया हो। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, तो अकबर के पास करीबन 80,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 15,000 की सेना थी। सोचो कोई और होता ये सिचुएशन में तो क्या करता। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब महाराणा प्रताप के पास सेना ही नहीं थी, तब उन्होंने जंगली भीड़ों को अपनी सेना बनाई थी, मतलब जंगल में रहने वाले लोगों से अपनी सेना बनाई थी। उन्होंने उनके साथ जंगल में रहना शुरू किया, उनको युद्ध कला सिखाई, उनकी जैसी ज़िंदगी उन्होंने जी काफ़ी सालों तक। उसके बाद जब उन लोगों को महाराणा प्रताप पर भरोसा हो गया, तब अकबर बहुत डर गया था। एक्चुअली अकबर को मेवाड़ चाहिए था और महाराणा प्रताप किसी भी हालत में मेवाड़ देने को तैयार नहीं थे। उसके बाद अकबर ने चालाकी दिखाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि क्यों ना राजपूतों को ही अंदर अंदर लड़वा दिया जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अकबर ने कई सारे राजपूतों को अपने तरफ कर लिया। इससे महाराणा प्रताप कई हद तक टूटे थे ज़रूर, लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। बिल्कुल ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी कभी हरा नहीं पाता अगर उसे जयचंद का साथ ना होता। जब हमारे अपने ही दुश्मन के साथ मिल जाते हैं तो फिर तो वही बात हो जाती है कि लड़े तो लड़े किससे, डुबाने वाले तो अपने हैं। और एक बात, हमारे हिंदुस्तान को ब्रिटिशर्स कभी लूट नहीं पाते। अगर हैदराबाद का निज़ाम, इंदौर का होलकर और पटियाला का राजा 1857 में अंग्रेज़ों का साथ ना देते, बिल्कुल ऐसे ही महाराणा प्रताप को मुग़ल कभी हरा नहीं पाते। लेकिन अकबर ने उनके परिवार को ही अपनी सेना बना दिया था, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी। अकबर की सेना में दम था, लेकिन महाराणा प्रताप के सीने में दम था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को प्रस्ताव भेजा कि वो आधा हिंदुस्तान ले ले, सिर्फ मेवाड़ दे दे, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार इस प्रस्ताव को ठुकराया। इससे इनकी महानता झलकती है कि एक मेवाड़ की रक्षा के लिए उन्होंने आधे हिंदुस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वो भी एक बार नहीं कई बार। महाराणा प्रताप के पास नीले रंग का एक अफगानी घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। चेतक भी इतिहास में काफ़ी चर्चा में रहा है, आप सबने नाम सुना ही होगा। चलो आज हम थोड़ा सा चेतक के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये घोड़ा इतना बड़ा था कि महाराणा प्रताप इसके आगे एक सून लगा दिया करते थे ताकि युद्ध में सामने वाले हाथी कंफ्यूज रहे कि ये घोड़ा है कि हाथी है। जब एक समय महाराणा प्रताप युद्ध में अकेले फंस गए थे, और उस वक्त क्या होता था कि हाथियों की सून पर तलवार लगी होती थी, तो जब महाराणा प्रताप चेतक के साथ छलांग लगाकर जा रहे थे तो वो तलवार से चेतक का पैर कट गया था, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक की रक्षा के लिए भागता रहा, रुका नहीं, और 28 फीट का नाला पार करके उसने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी और खुद अपने प्राण त्याग दिए थे। और ये सब सुन के सच में इतना प्राउड फील होता है कि मतलब यार ये क्या लोग थे, और ये है हमारा इतिहास, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सच में बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि ये सब सुन के हम ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है, इतना इतना महान इतिहास है हमारा। और ये जो मैंने आपको 2-3 नाम बताए, जो अभी लिस्ट ख़त्म नहीं हुआ है, लिस्ट बहुत बड़ा है, और आज भी मैंने आपको जो बताया समझ लो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बताया, बहुत लंबी कहानी है। मैंने आपको बताया कितनी सारी फिल्में बन जाएगी, ऐसे तो पता नहीं कितने वीडियोज़ बन जाएंगे, ये बातें ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको फिर भी पर्टिकुलर किसी एक हस्ती के ऊपर, पर्टिकुलर किसी एक हीरो के ऊपर वीडियो देखना है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना किसके ऊपर आप देखना चाहेंगे। और ऐसे वीडियोस भी अगर आगे देखना चाहते हो हिस्ट्री के ऊपर, हमारे हीरोज़ के ऊपर, तो भी आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, तभी जाके हम आपके लिए कंटेंट बनाएंगे। तो चलिए फिर जाने से पहले मैं आपको उन 3 लोगों के नाम बता दूँ जिन्होंने लास्ट वीडियो में नहीं उसके पहले वाले वीडियो में सवाल पूछा था कि गंगा नदी की लेंथ कितने किलोमीटर है।
बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए इस बार, और कुछ जवाब इस बार मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आए हैं। तो जवाब इंस्टाग्राम आईडी पे मत भेजो, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। लेकिन आप जो जवाब भेज रहे हो, आंसर भेज रहे हो, वो कमेंट्स में ही भेजा करो, तभी सबको पता चलेगा कि किसने पहले किया किसने बाद में किया। तो सबसे पहले इसका जवाब दिया है आकाश सोनी ने, जवाब इसका ये था कि गंगा नदी की लेंथ 2525 किलोमीटर है। सबसे पहले जवाब दिया है आकाश सोनी ने। दूसरे नंबर पर जवाब दिया है आदित्य राज ने, और तीसरे नंबर पर जवाब दिया है मास्टर कमसर ने। आज भी मेरे पास एक सवाल है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? फिर से एक बार सुन लो, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? जवाब यहीं पर देना, कमेंट्स में ही देना, और जो भी पहले लोग होंगे, तीन लोग सही जवाब देने वाले, उनको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देंगे। और इंस्टाग्राम आईडी पर क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप हमारे हर वीडियो के एंड में थॉट ऑफ द डे लिखा हुआ ज़रूर देखते होंगे, वहाँ पर हम बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और एनर्जेटिक थॉट्स आपके साथ रोज़ शेयर करते हैं हर वीडियो में। तो मुझे किसी का इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे थॉट्स वहाँ पर आपके वीडियोज़ में, आपके एपिसोड्स में शेयर करो दुनिया के साथ। बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो आज से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको, आपके पास ऐसा कोई थॉट है, आपने कहीं पर पढ़ा है या तो फिर आपका खुद का है, तो आप मुझे मैसेज करो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, थॉट का मतलब है एक लाइन, दो लाइन या तीन लाइन, मैक्स टू मैक्स। ऐसा नहीं कि आप फिर पैराग्राफ ही भेज दो, और आपका नाम ज़रूर लिखना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर सबके अजीब अजीब नाम होते हैं। अभी भी ऐसा हो रहा है कि मुझे नाम पता नहीं चल रहा है कि ये मैसेज कौन भेजता है, पता नहीं क्या एक्स वाई जेड 1 2 3 पापा की परी बहुत कुछ होता है। तो आपका नाम ज़रूर भेजना, क्योंकि जो भी थॉट हम सिलेक्ट करेंगे पब्लिश करने के लिए, यहाँ पर शेयर करने के लिए, उनका नाम हम यहाँ पर बताएंगे कि ये थॉट इनका है। तो चलिए फिर, मैं आपके थॉट की वेट ज़रूर करूँगा। आज के बाद यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हो कि हम आपके पसंद के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाएं तो वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ डायरेक्ट बात करनी है रिगार्डिंग जी चिल्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इसी इंस्टाग्राम आईडी पर। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।